हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज आप देख सकते हैं मेरे पास दो पावर एम्पलीफायर रिपेयर होने आए हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या है। तो किसी कस्टमर ने मेरे को दिया है किसी मैकेनिक से, तो वो बेचारा कर नहीं पाया। इसका ऐसे अंदर क्या फॉल्ट है जो कर नहीं पा रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं DSS 19000, ठीक है। और दो एम्पलीफायर रिपेयर होने आए हैं इकट्ठे, तो वो रिपेयर नहीं कर पाए। एक के अंदर वायरिंग की दिक्कत है, तो उसको हम देखेंगे। उसके अंदर रेजिस्टेंस वगैरह भी फेंके हैं, तो इसे मैंने खोल के देखा था। तो मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, कैसे है, सब दिखाऊंगा फुल वीडियो। तो इसके अलग अलग पार्ट बनेंगे, तो उसको आप ज़रूर देखना, आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाली वीडियो है ये। तो एक जो ये वाला जो है, आप देख सकते हैं ये वाला एम्पलीफायर दो हैं, ये वाले के अंदर वायरिंग की दिक्कत है। उस रिपेयरिंग वाले बंदे ने ये वायरिंग नहीं कर पाया था इसकी, ठीक है। तो इसकी फुल वायरिंग बताएंगे कैसे होएगा, ए से लेके जेड तक आपको सारा बताएंगे। तो मेरी वीडियो देखना आप, रेगुलर आपको मिलेगी इसकी, ठीक है। पार्ट के हिसाब से इसकी वीडियो बनाऊंगा। और एक ये वाला जो है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर फूके हुए हैं जो 30-55 कुछ भी हो सकता है। तो देखेंगे अभी हम इसको, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसकी फुल वीडियो आने वाली है इन दोनों एम्पलीफायर की। भाई वायरिंग की दिक्कत है इसमें, देखेंगे क्या क्या वायरिंग कहाँ कैसे जुड़ेगी, सब मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। आपका अपना 100% दूंगा। ये वाला जो एम्पलीफायर है नीचे वाला, आप देख सकते हैं ये वाला 18000 मॉडल FX करके। तो इसके अंदर ट्रांजिस्टर फूके पड़े हैं, इसमें टोटल 8 ट्रांजिस्टर है। तो जो इन दोनों में से सबसे पहले हम जो एम्पलीफायर इसको इन दोनों में से रिपेयर करने वाले, वो हम पहले सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर जिसके अंदर ख़राब है उसको हम रिपेयर करेंगे, ठीक है। जो जो इजी काम है पहले आपको निपटा देंगे, फिर उसके बाद जो वायरिंग वाला काम होगा उसमें टाइम लगेगा। तो आपको अच्छे तरीके से समझाना भी है मैंने, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, ठीक है। तो इसको यार वीडियो जितनी भी आएगी सारी देखना, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और अच्छी बनाऊंगा।